Students, now we will discuss about first type of pure substance, right? जो है element, right? अभी हमने pure substance को समझा, अब हम pure substance को classify करते हैं generally two main type में, elements and compounds, right? So let's start with elements. Elements are what? Well, elements are those pure substance, क्योंकि ये भी तो pure substance है, बिल्कुल. So elements are those pure substance which are made up of only one kind of atom, ठीक है. ये ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक सिंगल एटम से मिलके बने हों, तो उन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है. मतलब एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिनमें सिर्फ उन्हीं के एटम्स मौजूद हैं. अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कार्बन, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होंगे, सोडियम में सोडियम के एटम्स होंगे, बोरॉन में बोरॉन के एटम्स होंगे, ठीक है. इट मीन्स दैट इनमें एटम्स की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है. अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट में सिर्फ उसी के एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है. तो ये था एक जनरल आइडिया था एलिमेंट्स के बारे में. वेल, एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे थ्री मेन टाइप में ताकि हम अपनी स्टडी को थोड़ा इजी बना सकें. वेल, द फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड, राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाई वन ऑल दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज मेटल. मेटल आर व्हाट? वेल, वी ऑल नोस कि मेटल्स, इन मेटल्स देयर एटम्स आर जनरली क्लोजली पैक्ड, ओके. सो देयर सरफेस एंड जनरल स्ट्रक्चर इज हार्ड एंड स्टिफ, ओके. हमको पता है कि जो मेटल्स में जो एटम होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके एटम्स के बीच में एक मेटालिक बॉन्ड होता है, ओके. अगर कोई मेटल है और उसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं तो उनके बीच में एक मेटालिक बॉन्ड होगा जो इसके स्ट्रक्चर को एक हार्डनेस और एक स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की वेरियस प्रॉपर्टीज क्या है. एक और कि मेटल्स, वी ऑल नो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, एट्थ में भी और सेवन्थ में भी, कि ऑल मेटल्स आर यू नो टेंड टू डोनेट देर इलेक्ट्रॉन. ये बिल्कुल तैयार रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कब बनेगा? जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले, ठीक है. और जो डोनर कैपेसिटी या जो डोनर टेंडेंसी होती है वो सिर्फ मेटल्स में होती है, ठीक है. तो इट मीन्स दैट हम इन्हें कह सकते हैं कि जो मेटल है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है, ठीक है. आप इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर लेते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. तो इस वजह से इनमें जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज होगा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. बिल्कुल सही है कि जो सभी मेटल्स हैं वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. फॉर एग्जांपल दैट आयरन अल्मीरा, ठीक है, हमारे जो एल्यूमिनियम के वेसल्स हैं, कुकिंग वेसल्स हैं, ठीक है, ये सभी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं आयरन अल्मीरा, ठीक है, एल्यूमिनियम के जो वेसल्स हैं, ठीक है, तो ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं. वेल, कोई एक्सेप्शन है इसका जो मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है? वेल, मर्करी. मर्करी जो है वो एक एक्सेप्शन है. मर्करी है, गैलियम है, सीजियम भी कह सकते हैं आप, ठीक है. तो ये ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल हैं जो मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है. तो स्टूडेंट्स, आप इनके साथ में इनके एग्जाम्पल लिखिए और एग्जाम्पल के जस्ट नीचे आप एक्सेप्शन भी लिखिए. एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो जनरल रूल को फॉलो ना करें, ठीक है, कि सभी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पे, वो मर्करी एंड गैलियम है. अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो ब्रोमीन, ब्रोमीन इसका एक एग्जांपल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है. सेकेंड वन इज मेटल्स हैव लस्टर. मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, सो दे हैव शाइनी सरफेस, तो इस वजह से हम इनमें लश्यर प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल दैट गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, इनकी जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती है, ओके. दैट्स वाई हम इनको वेरियस ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स
बनाने में यूज करते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जैक्टली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं. ठीक है. वेल सो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं. सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो सबसे बेस्ट कंडक्टर की अगर बात की जाए तो कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. और सबसे पुअर कंडक्टर की बात की जाए तो लेड. ठीक है. वेल तो कौन से ऐसे मेटल हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या फिर रूल को फॉलो नहीं करते? तो जनरल रूल ये है कि सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन में आएगा ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है. ठीक है, वो एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलेट्रोप्स है, बट फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक है, तो एक्सेप्शन में ग्रेफाइट. ठीक है, रूल ये है कि सभी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट जो एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. नाउ फोर्थ वन इज मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर. मेटल्स क्या होते हैं? मैलेबल इन नेचर होते हैं. इट मीन्स दैट इनको हम पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, जैसे आप देखते हैं एल्यूमिनियम जो फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये मेटल्स की मैलिएबिलिटी को इंडिकेट करता है कि मेटल्स कितने ज़्यादा मैलिएबल हैं. ओके, नाउ मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. वेल ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. दे कैन बी ईजिली ड्रॉन इन टू थिन वायर. हम इनको आसानी से थिन थिन वायर में खींच सकते हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड में होती है. ठीक है, गोल्ड को हम जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं. राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर सोनोरस. वेल ऑल मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, जब भी हम मेटल को स्ट्राइक करें तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बेल इसका एक एग्जांपल है. तो ये टेंडेंसी होती है मेटल्स की जब उन्हें स्ट्राइक किया जाए किसी ऑब्जेक्ट से तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो वही सोनोरस है. तो सभी मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कूल बेल. नाउ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एग्जैक्टली ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं जो, ठीक है, और जो मेटालिक बॉन्ड होता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ईजिली वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होता है. ओके, तो हम ये कहें ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ लास्ट वन इज मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड. ठीक है, मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ये सभी हार्ड हैं. लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हैं. ठीक है, जिनको हम जनरली नाइफ से कट कर सकते हैं, जैसे लाइक अदर वेजीज एंड फ्रूट्स. कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते? तो अगर एक्सेप्शन की बात आए तो सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम एंड लिथियम. ये हाईली रिएक्टिव तीन एलिमेंट हैं जो इतने सॉफ्ट हैं कि आसानी से नाइफ से भी कट हो सकते हैं. ठीक है, रिमेनिंग जो जनरल मेटल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आसानी से आप नाइफ से उन्हें कट नहीं कर सकते. लेकिन तीन ये इसके एग्जांपल हैं, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ओके, और ये काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं जिन्हें जनरली हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये नॉर्मली एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये बर्न होना स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, वेल लेटर हायर क्लास में बताएंगे हम आपको क्यों बर्न होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को इमिट करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जनरल सा आइडिया था मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को के बारे में. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स.